तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि परसेंटेज इनॉल कंटेंट कंपैरिजन। अब देखिए ये क्या चक्कर है, तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूं कि कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, मोनो कार्बोनिल कंपाउंड। मोनो कार्बोनिल कंपाउंड में क्या हो गया, जैसे हमने ले लिया कि CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पे ले लेता हूं मैं CH2, तो ये क्या हो गया CH2 नहीं, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन लगेगा, ये रहा, लगा दिया CH3 लिखने के बजाय मैंने ऐसे लिखा। तो ये क्या हो गया मोनो कार्बोनिल, क्यों, क्योंकि एक ही कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे है। अब देखो ये क्या करेगा, ये टाउटोमेरिजम जो है ना शो करेगा, क्या हो जाएगा टाउटोमेरिजम शो करके, तो यहां से ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रो ये यहाँ पे अपना लेके क्या हो जाएगा निगेटिव, हाँ माइनस आ जाएगा, और ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, है ना, मतलब कैसा बनेगा, ये बन जाएगा CH3C, यहाँ पे हो गया O और यहाँ पे आ गया H, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे जैसे ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके चला गया, तो यहाँ पे क्या चला गया, यहाँ पे चला गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, जुड़ के एक बॉन्ड बनाएंगे, और ये बॉन्ड डबल बॉन्ड कहलाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2। तो ये जो OH भी है और डबल बॉन्ड भी है, इसको हम बोलते हैं इनोल फॉर्म, क्या बोलते हैं, इनोल फॉर्म, और ये जो हमारे पास था इसको हम बोलते हैं कीटोन। तो कीटोन भी है, एक सॉल्यूशन मान लीजिए होगा, तो उसमें कीटोन भी है और इनोल भी है, कभी बन रहा है इनोल बन रहा है, कीटोन टूट रहा है, कभी इनोल टूट रहा है, कीटोन बन रहा है, इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन इसमें एक बात है कि ज्यादा स्टेबल कौन है, तो हम बोलेंगे कि थर्मोडाइनेमिकली कीटोन जो है ना वो ज्यादा स्टेबल है, थर्मोडाइनेमिकली मतलब हीट अगर देंगे तो डायनेमिकली। सर खाली मतलब इनोल में सी डबल बॉन्ड H2 बनेगा कि या सब में बनेगा? नहीं नहीं, इनोल बनता है, ये जो फॉर्म बना है ना जिसमें OH भी है डबल बॉन्ड भी है, इसको इनोल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि कीटो कीटो जो फॉर्म है, कीटो या कीटोन फॉर्म बोलते हैं ना, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। अब ये ज्यादा स्टेबल है क्यों, अच्छा ऐसा है क्योंकि कीटोन में क्या होता है ना बेटा, ऐसे करके बना होता है, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होता है, या बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल देना, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह ना कैलकुलेटर होता है प्रैक्टिकली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटर होता है, तो होता है 356 किलो जूल पर मोल। और वहीं पे अगर इनोल की बात की जाए, ठीक है, फॉर इनोल, तो इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ये होती है 250 के आसपास, 250 किलो जूल पर मोल। अब जाइए बोलिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड मजबूत होगा, मतलब कीटोन क्या होगा, यहाँ पे कीटोन ज्यादा बनेगा क्योंकि स्टेबल चीजें ज्यादा बनती है और अनस्टेबल चीजें कम बनती है। तो देखा गया कि ये जो पूरा बना हुआ है जिसमें कि थोड़ा सा इनोल भी है थोड़ा सा कीटोन भी है, इसमें कीटोन जो है वो 99% है, कीटोन है 99%, और 1% जो है वो क्या रहेगा, 1% इनोल फॉर्म रहेगा 1%, ठीक है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि भाई परसेंटेज कंटेंट कितना है, तो परसेंटेज कंटेंट इतना है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं कि परसेंटेज इनोल फॉर्म जो होता है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, परसेंटेज इनोल फॉर्म किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो हम बोलेंगे ये डिपेंड करता है कि स्टेबिलिटी ऑफ इनोल कितना है, स्टेबिलिटी ऑफ इनोल कितना है। मान लीजिए कुछ इनोल फॉर्म हो सकते हैं जो ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात है कि रेजोनेंस ऑफ इनोल फॉर्म, अभी आप रेजोनेंस नहीं पढ़े हैं इसलिए चिंता मत कीजिए, ये भी बात सामने आ जाएगी आगे चल। अगला है एरोमेटिसिटी ऑफ इनोल, ये भी पढ़ना है हम लोग को। और किस चीज पे डिपेंड करता है, तो हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है। ये सारी चीजें आप पढ़ोगे एक एक करके, ठीक है, अभी नहीं दर्शन हुआ है, मिलेगा अभी नहीं। उसके बाद हम बोलते हैं एसिड स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है उसके स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। इस चीज को अभी नोट करके लिख लीजिए, इसकी चर्चा जब एक एक करके होगी तो आप इन चीजों को समझने लग जाओगे कि अच्छा ये क्या चीज होता है। ओके, तो यहां तक पहले लिख लीजिए, थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे आगे।
देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोलता है कि तीन कंपाउंड दिए हुए, तीनों कंपाउंड में जो इनोल फॉर्म बन रहा होगा रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस की वजह से नहीं बोलेंगे हम लोग, इनॉन्टियोमर्स जो बनेंगे इनके, जो इनोल फॉर्म में होगा, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज इनोल का किसमें होगा? तो पहले बना के देख लेते हैं इनोल, ठीक है। यहां से अगर मैं बनाऊं इनोल का फॉर्म तो देखो कैसा दिखाई देगा, तो हम बोलेंगे ये बना देगा, ठीक है, ये बनाएगा। देखो ऑलरेडी यहां यहां पे डबल बॉन्ड थे, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पे बन जाएगा ओ एच, ठीक है। इसको बोलते हैं फेनॉल। फेनॉल देखो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड अगर है ना तो ये बहुत स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल चुका है। तो ये 100% यहां पे क्या बनेगा, 100% यहां पे इनोल बनेगा, ये जो बना है ना ये 100% बन जाएगा, तो क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, कीटोन से ज्यादा स्टेबल ये वाला आ फिनॉल गया। कैसे बना, क्या फिनॉल कैसे बना, फिनॉल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर यहां से एक हाइड्रोजन लूज करके इसके ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो यहाँ पे तो छुपा हुआ है ना एक हाइड्रोजन, ये हम दिखा नहीं रहे, यहाँ पे छुपा हुआ है। ओके बात समझ में आ गई, एक मिनट रुकिएगा तब तक हाँ, लिखिएगा। सुंदर। हाँ जी हो गया, आइए सेकंड वाला, सेकंड वाले को देखिए। यहां से अगर हम देखें तो ये क्या बना रहा होगा, तो ये बना रहा होगा जहां पे ऐसा एक यहां पे है और यहां पे क्या लग जा रहा होगा, ओ एच लग जा रहा होगा और यहां पे एक डबल डबल बॉन्ड बन रही होगी, है ना, यहाँ पे एक बॉन्ड डबल बॉन्ड फॉर्म हो जा रहा होगा, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं सर, है। डबल बॉन्ड होना सर, डबल बॉन्ड फॉर्म होना लास्ट वाले इसमें परमानेंट है ना? देखो ना ऐसे बनेगा ना, ये यहां से हाइड्रोजन ऊपर चला गया तो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और ये इसका बॉन्ड टूटा है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये आपस में बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे। नहीं सर, वो जनरल पूछ रहा, मतलब वो कॉमन है ना, एक डबल बॉन्ड फॉर्म होना मतलब परमानेंट। कॉमन नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, समय के साथ वो चीज देखा जाएगा कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है, कुछ और चीजें भी हो सकती हैं। खैर इसका देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी ये चीजें थी, अब यहाँ पे एक तो OH बन गया और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया है देखो, है ना, और यहाँ पे एक इसके ऊपर क्या है, एक निगेटिव है, तो अब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। अब आप बताइए कि डबल बॉन्ड किसमें ज्यादा बॉन्डिंग डबल बॉन्ड का दिख रहा है, ये एक तो हो गया कि एरोमेटिक भी है, इसमें डबल बॉन्ड ज्यादा दो है, इसमें एक ही है, तो ये क्या होगा है? तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल मिलेगा वो हमको ए, फिर बी और फिर सी, तो इनका परसेंटेज इनोल तो फॉर्म भी जो रहेगा ना वो भी ए बी सी के फॉर्म में रहेगा। अब यहीं पे मैं आपको नोट में अगर लिखवाऊं ना कि देखो इनोल का जो परसेंटेज है, परसेंटेज इनोल जो है वो सबसे ज्यादा किसमें दिखाई देगा, तो हम बोलेंगे एरोमेटिक, एरोमेटिक इनोल में सबसे ज्यादा, फिर उससे कम रहेगा आपका बीटा डाई कार्बोनिल में रहेगा, फिर उससे कम किस में रहेगा, तो हम बोलेंगे बीटा कीटो ईस्टर, कीटो ईस्टर में रहेगा, सबके बारे में कहीं ना कहीं आगे चल के फिर बात होगी। मोनो कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा, कार्बोनिल कंपाउंड, उसके बाद बात होगी कि एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये सब बातें हम लोग को करनी है कि एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, ठीक है, ये सब आगे चल के बात आएगा, तो फिलहाल इस चीज को नोट में आप चाहो तो लिख एरोमेटिक तो लो। थोड़ा समझ गया है, एरोमेटिक थोड़ा समझ गया, मतलब जो स्टेबल कंपाउंड रहता है। लेकिन उसका भी ना एक हमारे पास फॉर्मूला है, हम लोग फॉर्मूला वाइज उसको देखते हैं कि उसका एक बढ़िया सा फॉर्मूला आएगा कि कौन एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक नहीं है, कौन एंटी एरोमेटिक है। ओके यहां तक बात समझ में आ गई? मैं शुरू नोट लिख रहा हूँ।